नमस्कार, चुनाव की बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ है खातेगांव विधानसभा से पंडित आशीष शर्मा, जो कि भाजपा प्रत्याशी है। करते हैं सर, आपका पहले तो स्वागत है। नमस्कार। 2013 से आप इस विधानसभा की कमान संभाले हुए हैं, 2023 तक आपने किन किन मुद्दों पर इस विधानसभा में काम किया है? 2013 में जब हमें जनादेश मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से हमने सिंचाई सुविधाओं पर फोकस किया। 2013 के पश्चात सुपानेर माइक्रो इरिगेशन लगभग 52 गांवों की भूमि सिंचित करने के लिए, 72 गांवों के लिए हंडिया बिराज सिंचाई परियोजना और कन्नौज क्षेत्र के गांवों के लिए हाटपिपलिया माइक्रो इरिगेशन एवं चंद्रकेश्वर डैम से सिंचाई परियोजनाओं की हमने डीपीआर तैयार कराई, सेंक्शन कराई। आज खातेगांव तहसील के लगभग 110 से अधिक गांवों पर सिंचाई परियोजनाओं का काम चल रहा है। कन्नौज तहसील के गांवों का काम भी स्टार्ट हो चुका है। जो शेष विधानसभा के बचे हुए गांव हैं, उन्हें 2025 तक पूर्णतः सिंचाई सुविधा से युक्त कराते हैं। अच्छा, तो आप ये 10 साल के कार्यकाल में कई आरोप भी लगे हैं आप पर, तो उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सार्वजनिक जीवन में आरोप लगना स्वाभाविक है, लेकिन आरोपों की सत्यता जनता जानती है, और इसलिए जनता ने लगातार 13 में भी 18 में भी मुझे आशीर्वाद दिया। हम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी जीते, इसका तात्पर्य यही है कि जनता हमारे साथ है। जनता इन आरोपों को न स्वीकार करती है, न ही उनका इन आरोपों पर विश्वास करता। मतलब कांग्रेस की लहर चल रही है एक कह रहे हैं सब, पर 2023 में किस मुद्दों को लेकर आप आम जनता के पास पहुंच रहे हैं? अभी जरा आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं। कांग्रेस की किस चीज की लहर चल रही, मुझे पहले तो ये पता नहीं। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामों से खुश है। जिन वर्गों को सुविधाएं मिली है जो वर्षों से उपेक्षित रहे, जिन्हें न मकान मिल पाया, न पीने के पानी की सुविधा हो पाई, जिनके न बेटा बेटी पढ़ पाए, न जिनके घर शौचालय बन पाया, न जिन्हें किसान सम्मान निधि मिल पाई, न जिन्हें लाडली बहना योजना कभी कांग्रेस की सरकार में दी, उन सब वर्गों को भाजपा की सरकार लाभ दे रही है। इसलिए लहर तो भारतीय जनता पार्टी की है। आप देखिएगा, प्रचंड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में फिर से बनने वाली है। क्षेत्र में हर बार मुद्दा उठता है बेरोजगारों के लिए, तो इस बार 2023 के चुनाव में आप बेरोजगारों के लिए क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश की सरकार ने लगभग 1 लाख से अधिक भर्तियां इसी वर्ष की है। साथ ही साथ युवाओं के लिए लर्न एंड अर्न, सीखो एवं कमाओ योजना जो कि शिवराज जी की सरकार ने चलाई, 11 लाख के आसपास युवाओं ने उसमें पंजीयन कराया, और जब वो काम सीख जाएंगे उसके बाद उनका रिप्लेसमेंट कंपनियों में होगा, तब रोजगार के और बहुत बड़े अवसर मध्य प्रदेश में खुले। विधानसभा से खातेगांव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से कई लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपके जनसंपर्क में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है या पार्टी में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? मीडिया ये क्यों नहीं दिखाता कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो लोग गए हैं वो 2018 में भी कांग्रेस का या विरोधी दलों के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर खड़ा हुआ है और काम कर रहा है। वरिष्ठों का, युवाओं का, सब वर्गों के कार्यकर्ताओं का साथ भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिला। आपके सामने पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री दीपक जी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही कहीं ना कहीं हिस्सा थे, तो आप कैसा मानते हैं उन्हें विधानसभा में, जो कि कांग्रेस के यहाँ पे स्थानीय प्रत्याशी को ना देते हुए हाटपिपलिया से दिया है टिकट? हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अपनी पार्टी से अपेक्षा करता है कि जब अवसर आए तब उसे मौका मिले। कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, इसके कारण कांग्रेस में आक्रोश है और वो आक्रोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा व्यक्त भी किया गया। जहां तक बात है दीपक जोशी जी की, वो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में यहां पर आए हैं, लेकिन वो यहां की ना तो भौगोलिक परिस्थिति को जानते हैं, ना यहां के गांवों को जानते हैं, ना यहां के कार्यकर्ताओं को जानते पहचानते हैं। 15 दिन तो उन्हें कार्यकर्ताओं से जान पहचान करने में निकल गए, और जहां से वो विधायक रहे, चाहे बागली हो चाहे हाटपिपलिया हो, वहाँ वो मंत्री रहते हुए चुनाव हारे। एक मंत्री जब चुनाव हारता है तो आप समझ लीजिएगा कि उसके कामों का क्या तरीका रहा होगा जिसके कारण उसे चुनाव हारना। इसलिए उनकी कार्यशैली से भलीभांति लोग परिचित हैं। स्थानीय व्यक्ति होने के नाते मैंने 10 वर्ष उनके बीच काम किया है और सतत उनके संपर्क में रहा हूँ, इसलिए खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो प्यार जनसंपर्क में मिल रहा है वो 17 तारीख के दिन वोटों में तब्दील होगा। आप जनसंपर्क में जा रहे हैं तो आपको जनता का आशीर्वाद तो मिल रहा है, तो कुछ विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, तो आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जनता की कामों की बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं, सब अपेक्षाएं एक समय में पूर्ण नहीं हो सकती। हमने बहुत सारे काम किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पेयजल की व्यवस्था की है, लेकिन उसके बाद भी काम रह जाते हैं, तो हम इसको ये नहीं मानते। जनता का काम है काम बताना,
हमारा कर्तव्य काम को करना, कुछ काम हो गए कुछ काम नहीं हुए। स्वाभाविक विकास को लेकर जनता कहती है, उसमें नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। जहां भी ऐसी नाराजगी प्रकट होती है वहां हम चुनाव जीत बताते। कांग्रेस के नेता आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बयानबाजी चुनाव का दौर है चल रही है, तो आप क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं, उन बयानों का सामना मैं पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूँ। हल्के स्तर की राजनीति करना, हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कांग्रेस का एक चरित्र है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमने सादगी के साथ हमेशा राजनीति इस क्षेत्र में की है, सामंजस्य के साथ राजनीति की है, शालीनता के साथ राजनीति की है। और ये जितना अनर्गल बोलेंगे, जितना उल्टा सीधा बयान देंगे, खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है अपने जनप्रतिनिधि को, उसने लगातार इस जनप्रतिनिधि को काम करते हुए देखा है। इसलिए मेरे बारे में एक छोटी से छोटी चीज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता भलीभांति जानती है, इसलिए वो जितना हल्का स्तर अपने प्रचार का रखेंगे उतना मुंहतोड़ जवाब खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता। आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप का कहीं ना कहीं आप आरोप के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास निमावर हत्याकांड का आरोप लगाया है, विजय विधवा कांड का आरोप लगाया है आप पे, आपके परिवार पे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दोनों घटनाएं हुई, दोनों घटनाएं दुखद हैं। निमावर हत्याकांड जिसमें आरोपी सब जेल में है, लेकिन पीड़ित परिवार की बेटी अभी तक बयान देने न्यायालय में नहीं जा रही है। यदि आप न्याय चाहते हैं तो आपको बयान तो देना पड़ेगा। सीबीआई की जांच की मांग की गई थी, सीबीआई भी जांच कर चुकी है, और भी किसी संस्था से जांच चाहते हैं तो जांच के लिए सब तैयार हैं। साथ ही साथ कन्नौज में भी जो घटना हुई थी उसमें बेवजह मेरे परिवार का नाम उछाला गया, लेकिन सत्य क्या है ये जनता जानती है। और लोकतंत्र के में जनता ही सबसे बड़ी मजिस्ट्रेट होती है, जनता ही सबसे बड़ी निर्णायक होती है। और इसलिए मुझे इस बात का विश्वास है कि चाहे कहीं पर भी नाम किसी तरह का उछाला जाए, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता मुझे और मेरे परिवार को भलीभांति जानती है। हमने शुचिता की राजनीति की है, ईमानदारी की राजनीति की है, और इसलिए पहले भी जनता 2 बार जवाब दे चुकी है और तीसरे चुनाव में भी जनता अच्छा जवाब देगी। खातेगांव विधानसभा की जनता के बारे में आप क्या कहेंगे? खातेगांव विधानसभा क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है, माँ नर्मदा की असीम अनुकंपा है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, और यहाँ पर आपस में लोगों का प्रेम और सामंजस्य बहुत अच्छा है। विकास भी हमने पिछले 10 वर्षों में बहुत हद तक करने का प्रयास किया है। आज रेलवे लाइन का काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है, सिंचाई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनी है, कॉलेज की नई बिल्डिंग बनी है, पीजी कोर्सेज शुरू हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, इनके चिकित्सालय हमने अपने क्षेत्र में खुलवाए हैं। 108 एम्बुलेंस हो, जननी एक्सप्रेस हो, डायल 100 हो, या पशुओं के उपचार के लिए 1962 एम्बुलेंस हो, इन सब की सुविधा हमने क्षेत्रवासियों को दिलाने का काम किया है। 60,000 से अधिक लाडली बहना मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, जिन्हें आज तक किसी सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। शिवराज जी की सरकार 1,250 रुपये प्रतिमा उनको दे रही है, और उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने पर यह राशि 3,000 रुपये की जाएगी। वास्तव में यही आर्थिक समृद्धि है, यही आर्थिक मजबूती है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पसंद का कारण बनती है, भाजपा ने समाज के हर वर्ग को। देखिये, यह थे हमारे साथ खातेगांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आशीष जी शर्मा। मैं पुष्पेंद्र सारदे, चुनाव के बाद